पीरियड के टाइम सेक्स करना चाहिए या नहीं, क्या फिजिकल होनी चाहिए पीरियड के टाइम? तो जी हाँ, आपको इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान भी बता दूँ, और क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए आपको इंटीमेट पीरियड के दौरान। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, आप माँ नहीं बन पाओगे उस समय। अगर सीमेन जो है आपके यूटेरस में रह गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, आप इजीली विदाउट कॉन्डम जो है आप फिजिबल हो सकते हो, इसमें कोई ख़तरा नहीं है प्रेगनेंसी का, नंबर वन। दूसरी बात है कि उस समय यानी कि पीरियड के टाइम सेक्सुअल हॉर्मोन्स थोड़ा सा अप डाउन होते हैं, तो महिलाओं को उस समय उत्तेजना कम आ सकती है, वो कम एक्साइटेड दिखेंगी, और उनको फीवर आने के भी बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्हें ना फीवर भी फील होता है पीरियड के टाइम पे, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उस हिसाब से आपका पार्टनर जैसा चाहता है वो आप देख के कर सकते हो, यानी कि आप फिजिकल हो सकते हो, सेक्स कर सकते हो। पीरियड के दौरान काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है वो एरियाज, यानी कि आपकी वजीना और काफ़ी ब्लड्स वगैरह भी उस समय रिलीज होते हैं, तो अनहाइजीनिक और हाइजीनिक कंडीशन का भी आप ख्याल रखें, साफ सफाई ज़रूर रखें, और हाँ, ब्लड जो है वो ब्लड फ्लो हो, टाइम पे फ्लो हो, और उस चीज़ के लिए आपको जो है सेफ्टी के साथ करनी ज़रूरी है। कई बार महिलाओं को यानी कि लड़कियों को फीमेल पार्टनर को काफ़ी पेन होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको सेक्स एक्टिविटी पे ध्यान रखना होगा कि ध्यान से सारी चीज़ें की जाए, लेकिन वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप पीरियड के टाइम पे ईजली जो है आप सेक्स कर सकते हो, इंटीमेट हो सकते हो, डॉक्टर्स की राय के अकॉर्डिंग आप ईजिली कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।